आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जातिवाद की राजनीति खेलते हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा लगातार करते जा रही है। इसी क्रम में अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेश राम की घोषणा पिछले दिनों हुई थी, जिसके बाद आज उनका पार्टी कार्यालय पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमानिया की विधायक सुनीता सिंह रही। शैलेश राम जो अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं, उनके सम्मान समारोह में उनके समाज के लोगों की संख्या आज देखते बन रही थी। इन लोगों ने अपने जिलाध्यक्ष का सम्मान करने से पहले भाजपा विधायक सुनीता सिंह का जोरदार तरीके से सम्मान किया। इस दौरान अपने सम्मान से लबरे विधायक सुनीता सिंह काफ़ी खुश नजर आई और उन्होंने बताया कि शैलेश राम पार्टी से जुड़ने और आज अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष घोषित होने पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। उन्होंने बताया कि भाजपा को लेकर दलित वर्ग में विश्वास जगा है और शैलेश जी उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इस दौरान विधायक से जब पूछा गया कि बहुत सारे मुसलमान जो भारत में रहते हैं लेकिन बात तालिबान की करते हैं, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग ये समाज में संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नीचे गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है, दलितों को जोड़ने के लिए काम कर रही है, केवल कहने के लिए नहीं, इसको साकार करने के लिए हम लोग जुटे हुए हैं और शैलेश जी अध्यक्ष बने हुए हैं। और आप देख के पता लगा सकते हैं कि जिस तरह से समाज का इनके अंदर विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आपका विश्वास है इस समाज का और हम लोग विकास करेंगे। क्या लगता है कि इनके अध्यक्ष बन जाने से जो दलित समाज है, जो कहीं ना कहीं भाजपा से कटा हुआ और अब तक रहा है, क्या वो जुड़ने का काम करेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि विश्वास तो हमारे वर्ग में, दलित वर्ग में हुआ है, लेकिन जोड़ने का काम जो करेंगे वो शैलेश जी करेंगे और मेरे को पूरा विश्वास है कि अब हम लोग जुड़ के काम करेंगे। फिलहाल जी देखा जाए तो भारत के बहुत सारे मुसलमान रहते तो भारत में है लेकिन बात तालिबान की कर रहे हैं, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए दुर्भाग्य है, जिस तरह से भारत में उनको सम्मान मिल रहा है और ऐसी बातें करने वालों का दुर्भाग्य है ऐसी बात करते हैं। मैडम अगर बात किया जाए कोविड-19 की, तो कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर आने की जो है स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि कुछ ही दिन में आ सकता है, ऐसे में लेकर जिला में किस तरह की तैयारियां हैं? पिछली बार जिस तरह से हम लोग संभल के तैयारियां करके और अपने इस विकट काल से, महामारी से निकल गए हैं, अब तीसरी लहर की संभावना व्यक्त हो रही है, अभी तो आया नहीं है, उसके लिए लड़ने के लिए जोरदार तैयारी है और हम उस लहर को मात देंगे। ऐसे में मौजूदा समय में वायरल फीवर भी चल रहा है और डॉक्टरों का ये कहना है कि अधिक से अधिक लोग मास्क लगाएं, जिससे कि हम लोग वायरल फीवर को रोक सके, इसको देखते हुए क्या लगता है कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, ये तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए और समाज को सुरक्षित रखने के लिए जो ये प्रोटोकॉल है, इसमें तो आना ही चाहिए। अब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं अभी इसे। वहीं अपने सम्मान समारोह के बाद अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेश राम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है और अनुसूचित मोर्चा का जो मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है, मैं निश्चित तौर पर पार्टी को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि पार्टी जितना सोची है, जिस उम्मीद के साथ सोची है, मैं उस पर खड़ा उतरूं, यह मेरा प्रयास निरंतर रहेगा और हमेशा बना रहेगा। चले जी, कहा जाता है कि बसपा कहती है कि जितने भी दलित वोट है उन दलित वोटों पर जो बसपा का कब्जा है, उस कब्जा से कैसे आप लोग उसको छुटकारा दिलाकर भाजपा में कन्वर्ट करेंगे? भाई देखिए, बात भी आपकी सही है, बाप में आपकी जान भी है, कहीं ना कहीं दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था, उसका मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ और लंबे समय तक मैं काम किया हूँ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे समाज को जो सम्मान मिला वो काफी ताबड़तोड़ सम्मान है। और आप आज देख रहे हैं, जो एक मैं चंद माने एक दिन का भी समय नहीं मिला था और लोगों द्वारा, मेरे समाज द्वारा कहा गया कि आपका स्वागत समारोह रखना हम लोग चाहते हैं पार्टी कार्यालय पर, माने विधायक जी के साथ में कहा कि ये हाल छोटा हो गया है, मेरे समाज के लोग ही आप उदाहरण इसका।